डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डीएनए के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। गिवन बिलो इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए काइंड ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, व्हाट इज द काइंड ऑफ म्यूटेशन रिप्रेजेंटेड। तो जैसा आप इस डायग्राम पे देख पा रहे हैं कि डायग्राम एग्जैक्टली सेम है दोनों, बस यहाँ पर बी सी डी और डी सी बी में चेंज है कि यहाँ जो बी सी डी लिखा हुआ है सेकेंड डायग्राम में ये रिवर्स ऑर्डर में डी सी बी लिखा हुआ है। तो अगर क्रोमोसोमल एबरेशन में 180 डिग्री से रोटेशन होता है तो ये केस होता है इन्वर्जन का। द बाइंडिंग साइट ऑफ टी आर एन ए विथ एम आर एन ए एंड अमाइनो एसिड्स रिस्पेक्टिवली आर, कि टी आर एन ए एम आर एन ए से कहाँ बाइंड करेगी और टी आर एन ए अमाइनो एसिड को कहाँ बाइंड करवाएगी। तो टी आर एन ए एम आर एन ए को बाइंड करता है बेसिकली एंटीकोडान रीजन से, और अमाइनो एसिड को बाइंड करवाता है सी सी ए, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जेनेटिक कोड, करेक्ट क्या है। ट्रिपल यूज इनिशिएटिंग कोडॉन, गलत है। देयर आर 64 ट्रिपलेट कोडॉन एंड 20 अमाइनो एसिड्स, सही स्टेटमेंट है कि 64 कोडॉन है 20 अमाइनो एसिड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑप्शन इज यूज इन ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में यूज होता है एम आर एन ए, आर आर एन ए, टी आर एन ए। इफ द सिक्वेंस ऑफ बेस इन द कोडिंग स्टैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डी एन ए इज गिवेन एज, द बेस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट, कि अगर डी एन ए डबल स्टैंड का कोडिंग स्टैंड दिया हुआ है तो ट्रांसक्रिप्शन यानी एम आर एन ए का रिजल्ट क्या होगा। तो इसको करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर कोडिंग स्टैंड दिया है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा कोडिंग स्टैंड जिस डायरेक्शन में लिखा है उसको उसी डायरेक्शन में लिख दीजिए, बस टी की जगह पे यू कर दीजिए, टी की जगह पे यू कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा थर्ड। ए यू जी कोड्स फॉर, नीट में आसान भी क्वेश्चन आते हैं नो डाउट, मेथियोनिन। इन लैकोपेरोन मॉडल लैक्टोज मॉलिक्यूल फंक्शन एज, लैक्टोज मॉलिक्यूल बिहेव करता है इंड्यूसर की तरह और ये बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन को। ट्रांसलोकेस इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर, तो ट्रांसलोकेस एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस में ड्यूरिंग इलोंगेशन स्टेप में रिक्वायर्ड होता है। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक इज लोकेटेड एट, ये सेंटर लोकेटेड है हैदराबाद में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द कंपाउंड इन एसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन दियर मॉलिकुलर वेट, कि मॉलिकुलर वेट के बेसिस पर बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करना है। तो इन सब में सबसे छोटा है ए एम पी, एक फॉस्फेट है, ए डी पी दो फॉस्फेट, ए टी पी तीन फॉस्फेट, और आर एन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है एंड डी एन ए टू स्टैंड से मिलकर बना है। एच एन आर एन ए अंडरगोस टू एडिशनल प्रोसेसिंग, आउट ऑफ विच इन वन ऑफ देम एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मेथिल कोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द फाइव डेसिंड ऑफ एच एन आर एन ए, तो बेसिकली ये स्टेप होता है कैपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे कैन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं कि डी एन ए जेनेटिक मटेरियल है लेकिन कैन कौन कर सकता है, तो डी एन ए भी कर सकता है जेनेटिक मटेरियल एंड आर एन ए भी, आर एन ए वायरस वायरसेस जो होते हैं। आर एन ए कैन नॉट एक्ट एज, आर एन ए एडेप्टर मॉलिक्यूल है टी आर एन ए, कैटालिटिक फंक्शन करता है राइबोजाइम की तरह, जेनेटिक मटेरियल है आर एन ए में कुछ वायरसेस में। आर एन ए रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट की तरह वर्क नहीं करता, आप इससे एनर्जी नहीं ऑब्टेन कर सकते। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी डी एन ए और आर एन ए दोनों में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं फाइव, ए सी टी जी यू। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डी एन ए, की दो अगल बगल की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। इफ देयर आर 10,000 नाइट्रोजनस बेस पेयर इन डीएनए देन हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कितने बेस पेयर हैं, तो वन बेस पेयर इक्वल टू टू न्यूक्लियोटाइड, तो 10,000 बेस पेयर इक्वल टू 20,000 न्यूक्लियोटाइड्स। साइटिडीन इज, तो साइटिडीन बेसिकली साइटोसिन से डिराइव्ड न्यूक्लियोसाइड है आरएनए का। इन ई कोलाई द कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज टेक्स प्लेस बाई, तो लैक्टोज से ग्लूकोज का बनना बेसिकली होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम से। द आई जीन इन लैकोपेरॉन रिफर टू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आई जीन किसकी तरह रिफर करता है, जनरली आई जीन पर और लैकोपेरॉन पे इंड्यूसर दिमाग में आता है, बट ये आई जीन का प्रोडक्ट रिप्रेसर प्रोटीन होता है जो कि उस प्रोसेस को इनहिबिट करता है, तो यहाँ पर आई जीन वर्क करता है इनहिबिटर की तरह। इन लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन में क्या क्या है, थ्री स्ट्रक्चरल जीन है, वन ऑपरेटर है, वन प्रमोटर है। इन लैकोपेरॉन द रियल इंड्यूसर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि रियल इंड्यूसर, तो अगर रियल इंड्यूसर है तो वो बेसिकली मेन इंड्यूसर होता है एलोलैक्टोज।
इन लैक ओपेरॉन रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाई, यानी रिप्रेसर प्रोटीन जो बनती है इनएक्टिवेट होती है लैक्टोज या एलो लैक्टोज से, और ये लैक्टोज बेसिकली डाइसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लैक ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी लाइन डायरेक्ट लाइन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लैक ओपेरॉन विल बी स्विच्ड ऑन व्हेन, लैक ओपेरॉन कब एक्टिव होगा, जब मीडियम में लैक्टोज का अमाउंट ज़्यादा होगा ग्लूकोज से। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर डिफाइंड एज, कि किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफाइन होता है कोडॉन से, और वो कोडॉन पाए जाते हैं एमआरएनए में। इन बैक्टीरियल कैटालिटिक आरएनए इज फाउंड इन, तो बैक्टीरिया में कैटालिटिक आरएनए बेसिकली राइबोसाइम्स पाए जाते हैं, 23S आरआरएनए लार्जर सब यूनिट, और बैक्टीरिया का लार्जर सब यूनिट होता है 50S। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर प्रेजेंट, तो UTR बेसिकली वो रीजन्स हैं जो कि एमआरएनए में कोडान से जो कि कोड नहीं हो पाते, और ये बेसिकली पाए जाते हैं स्टार्ट कोडान के पहले या स्टॉप कोडान के बाद में, बिफोर स्टार्ट कोडान एंड आफ्टर स्टॉप कोडान। द रिएक्शन अमाइनो एसिड प्लस ATP अमाइनो एसाइल AMP, ये बेसिकली रिएक्शन होती है अमाइनो एसिड एक्टिवेशन या चार्जिंग ऑफ tRNA। परसेंटेज ऑफ बेस सीक्वेंस विच आर डिससिमिलर एमंग ह्यूमन, तो NCERT ने दिया है कितनी सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी है 99.9% की, तो डिससिमिलरिटी कितनी हुई 0.1। ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन माइनर पीक रिप्रेजेंट, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में इस तरीके का पीक बना था बल्क डीएनए का, ये छोटे छोटे पीक सेटेलाइट डीएनए के बने थे, दिस इज सेटेलाइट डीएनए। VNTR स्टैंड फॉर, VNTR बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व होता है सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर, तो बेसिकली जो ऑर्डर इसका दिया हुआ है वही सही ऑर्डर दिया हुआ है कि सबसे पहले आइसोलेट करते हैं, फिर डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, फिर सेपरेशन करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से, देन सदर्न ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग प्रोब एंड ऑटो रेडियोग्राफी। VNTR बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ डीएनए, तो VNTR बिलोंग करते हैं मिनी सेटेलाइट डीएनए। द साइज ऑफ VNTR वेरीज फ्रॉम, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन का क्वेश्चन है, 0.1 to 20। द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज सेम फॉर, डायरेक्ट एनसीईआरटी मोनोजाइगोटिक ट्विंस। द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज द एप्लीकेशन इन, हर जगह एप्लीकेशन है, फॉरेंसिक साइंस में भी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी, ऑल ऑफ टाइप ऑफ। जीन्स आर मेड अप ऑफ, तो जीन्स बेसिकली क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस, ए पोर्शन ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेटेड बाय, तो यूकैरियोट में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डेमोस्ट्रेट किया था टेलर ने, रूट टिप ऑफ विकियाफेबा। हाउ मेनी टाइम्स कैन द न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक सेल अपनी लाइफ टाइम में कितनी बार डीएनए का रेप्लिकेशन करती है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि डीएनए का रेप्लिकेशन तब होता है जब बेसिकली सेल का डिवीजन होता है ड्यूरिंग वंस। डीएनए रेप्लिकेशन इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेसिकली आरएनए से डीएनए का बनना, और ये बेसिकली एचआईवी के मैकेनिज्म में होता है कि आरएनए से डीएनए का बनना। अब आरएनए से डीएनए बन रहा है तो डीएनए का बनना है तो डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन आरएनए से बन रहा है तो आरएनए डिपेंडेंट। इन एचआरआरएनए टेलिंग एंड कैपिंग टेक्स प्लेस एट, तो टेलिंग होता है 3' पे, कैपिंग 5' पे। कोडॉन्स आर जनरेटेड बाई 4 नाइट्रोजनस बेसिस यूजिंग लॉ ऑफ, कि डिफरेंट टाइप्स के जो कोडॉन्स बनते हैं बेसिकली यूज करते हैं जो लॉ का, वो मैथमेटिक्स का लॉ होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कोडॉन इज अनएम्बिगस एंड नॉन स्पेसिफिक, नॉन डिजनरेट, अनएम्बिगस एंड डिजनरेट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन एंड कम्प्लीटेड इन, तो ये बेसिकली 13 ईयर का मेगा प्रोजेक्ट था जो 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में कम्प्लीट हुआ। द मेजर अप्रोच यूज इन HGP वॉज आइडेंटिफाइंग जीन वर, तो मेजर अप्रोच जो यूज की गई वो यूज हुआ एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोटेशन, दोनों टेक्निक्स का यूज हुआ। फ्रेडरिक सेंगर इज क्रिएटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ, NCERT डायरेक्ट लाइन का क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सेंगर डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड में भी योगदान है एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड में भी। द लोकेशन इन ह्यूमन जीनोम विच डिफर बाई सिंगल बेस डिफरेंस इज नोन एज, जो सिंगल बेस से डिफर करते हैं ऐसी लोकेशंस को नाम देते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन इज, तो सबको पता है कि लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन डिस्ट्रोपिन है, बट ये लोकेटेड कहाँ होता है, लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन से करेक्ट हैं कौन से इनकरेक्ट हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन, सही स्टेटमेंट है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एक्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल, सही है। क्रोमोसोम फर्स्ट हैज फ्यूएस्ट जीन्स, नो, फर्स्ट के पास तो सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं, और वाई हैज़ द मोस्ट जीन्स, वाई के पास कम है। स्टेटमेंट रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहिए। BAC एंड YAC आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं यूज इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी सही है। वन स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट, तो ABD करेक्ट। द लेंथ ऑफ इकोलाई DNA एंड लेंथ ऑफ DNA इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, तो डायरेक्ट NCERT की लाइन का क्वेश्चन है कि इकोलाई का DNA डायरेक्ट आप याद कर लीजिए 1.36 mm एंड ह्यूमन का 2.2 मीटर।